हेलो गाइस, वेलकम टू डे को। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को 75 डेज चैलेंज का 7 डे में स्वागत है। आशा करता हूँ जो लास्ट वीक में हम लोगों ने जो भी प्रिपरेशन किया था, जो भी टास्क था मैंने जो आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से किया है। तो आज नए वीक का शुरुआत करेंगे न्यू पॉजिटिविटी से एंड न्यू डेडिकेशन से, ठीक है? तो आशा करता हूँ लास्ट वीक की तरह इस वीक भी आप लोग जो भी मैं टास्क आप लोगों को दूंगा उस टास्क को अच्छी तरीके से आप कंटिन्यू करोगे एंड हम लोग का जो प्रिपरेशन है, जो गोल है, उसकी तरफ और एक कदम हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैटेगरी वन बच्चों के साथ। लेकिन आज कैटेगरी वन हो या कैटेगरी टू हो, दोनों ही बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, टाइमिंग जो है आज से हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। किस तरीके से? डे वाइज आज हम लोगों का टारगेट होगा जो 3 घंटा 5 मिनट। अभी ये बोलो सर, 5 मिनट कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही कम तो नहीं हो रहा है? सबर करो, रुको जरा, सबर करो, सब होगा, लाए लाए होगा। क्यों, आज मैं आपका 5 मिनट दिया हूँ, कल क्या होगा 10 मिनट, परसों क्या होगा 15 मिनट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डे वाइज डे हम लोग का जो प्रिपरेशन का टाइमिंग होगा ना वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? अभी ये कैटेगरी वन बच्चों के लिए आज का जो शेड्यूल होगा ये टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है? फर्स्ट जो था मैंने बोला था आप लोगों की रीडिंग हैबिट के लिए जो आप लोगों को करना है, कोई भी एक चीजों को स्टडी करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको मैंडेटरी 1 आवर आपको रीडिंग हैबिट करना है, एनीथिंग, और इसको आपको कंटिन्यू एक हैबिट बनाना है। अभी क्या होता है देखिए, अभी मैं इसके साथ साथ दूसरा टास्क आपको नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इसका मेन मेरा रीजन ये है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग करना पसंद ही नहीं है। रीडिंग हैबिट एक हैबिट बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है? इसीलिए मैं सिर्फ आपको 1 घंटा रीडिंग करने के लिए दे रहा हूँ। जो भी चीजें आपको पसंद हो, नोबेल नोबेल हो या स्टोरी बुक हो, एनीथिंग जो आपको पढ़ना पसंद हो आप पढ़िए, अपना हैबिट पहले बनाइए, ठीक है? एंड जो बच्चे को ऑलरेडी हैबिट है उनके लिए तो बेनिफिट है, ठीक है? तो ये 1 घंटा आपको देना ही है। उसके साथ साथ क्वांट एंड रीजनिंग, ये दोनों में से जो भी सेक्शन को आपको अच्छा लगता है उसमें आप टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है? अभी क्वांट के लिए क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीक में बोला था कि आपको सिलेबस देखिए, एक दो टॉपिक का बेसिक देखिए, आज से हम लोग डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा परसेंटेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी परसेंटेज में हम लोग क्या देखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्शन होता है ना, ये आप देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप प्री का थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चंस करोगे उसमें क्या होता है ना, परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चंस दिया जाता है जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कॉन्वर्शन से इजीली बन जाता है। लेकिन अगर आपको यही चीज नहीं आएगा तो उसमें आप फंस जाओगे। इसके साथ साथ अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इसका रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो आपको ये टॉपिक तो आपको इमिडिएटली देखना है, फर्स्ट आपको ये टॉपिक ही देखना है। और अगर ये टॉपिक आपको देखना है तो मैं इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पे मैंने ये टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया है, वो वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ नोट्स बना लेना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज थोड़ा सा आपको डे बाय डे देखना पड़ेगा। डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये आप में इजीली आप इसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है? ये तो आपको फर्स्ट आपको करना ही है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। कितना प्रैक्टिस करना है, 15 से 20 आपको चीजें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए 1/5 का 20% आपको पता चल गया तो आपको ये देखना है 40% का कितना होगा, 60% का कितना होगा, 80% का कितना होगा, ठीक है? ये तो हो गया इजी। और 1/7 का होता है 14.28%। सेम अगर मैं आपको बोलूं 28.56% का कितना होगा, ये आपको खुद से निकालना है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है? इस तरीके से कम 20 15 से 20 क्वेश्चंस आप खुद देखिए। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग का बात बोलूं, देखिए रीजनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट वीक में क्या था कि डायरेक्शन का बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस मैंने बोला था, तो आज आपको डायरेक्शन ही देखना है। डायरेक्शन एक टॉपिक होता है, ये टॉपिक आपको देखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? उसके साथ साथ अगर अल्फा न्यूमरिक सीरीज, अल्फा न्यूमरिक नहीं देखना है, अल्फा न्यूमरिक एक और सिंबल के साथ एक सीरीज आता है, अल्फा प्लस न्यूमरिक प्लस सिंबल, ये तीनों मिला के एक सीरीज आता है, इस सीरीज को एक बार देखिए, ठीक है? इसका मान लीजिए 5 क्वेश्चंस किया आपने, इसका भी कम से कम 5 से, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन बनाइए, इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है?
ये दो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से देखना है। अभी देखिए आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि टॉपिक को पहले समझे, टॉपिक को पहले समझे, टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करे, उसके बाद ही हम लोग फर्दर मूव ऑन करें। अभी आप लोगों का माइंड भी इस टॉपिक को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो डायरेक्शन एंड अल्फा न्यूमेरिक ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आज आपके लिए टू डू लिस्ट, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप पॉजिटिवली करोगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैटेगरी 1 बच्चे, कैटेगरी 2 बच्चों के लिए, ठीक। अभी कैटेगरी 2 जो बच्चों हैं उनके लिए भी क्या होगा कि जो टाइम होगा 6 घंटा 5 आवर्स, ठीक है। आपको 5 मिनट आज के प्रिपरेशन का इंक्रीज करना है। जो बच्चे वर्किंग है उनको भी मैं बोलूंगा, अगर आपको भी पॉसिबल होता है टाइम अगर इंक्रीज कर सकते हो तो कीजिए। तो इनमें तो आपको फर्स्ट देखिए रीडिंग हैबिट तो करना ही पड़ेगा, ये इसमें तो कोई भी मतलब कंसिडरेशन है ही नहीं। रीडिंग हैबिट जो आपका है, जो भी आपको पसंद है आप कीजिए, 42 1 आवर्स आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड, आप अगर वोकैब कर रहे हो तो वोकैब, उसके साथ साथ अगर फेजल भाव, फेजल भाव, इडियम एंड फेज, तो ये कीजिए। या तो अगर आप समरी बना रहे हो तो समरी बनाइए, ये आपका डेली का टास्क, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूँ आज पहले, ठीक है। देखिए रीजनिंग और क्वांट दोनों में जो भी टॉपिक में जो भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगे आप 5 मिनट उसमें बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाइएगा जरूर। लास्ट वीक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग किया था, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन, ब्लड एंड रिलेशन, इस तरीके का टॉपिक्स किया था। तो आज हम लोग फर्स्ट करेंगे सिलोलिज्म, लेकिन सिलोलिज्म का थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, पीओ हो या क्लर्क हो, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, अगर मिनिमम बोले तो 3 तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्शन थोड़ा देखिएगा, अभी डायरेक्शन तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा ही था, लेकिन इस बार का जो डायरेक्शन का अगर बात बोलूं, पीओ प्री लेवल का थोड़ा देखिएगा, थोड़ा अप लेवल का देखिएगा, बिकॉज आजकल क्या होगा ना, डायरेक्शन जो होता है थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक को आप देख लीजिएगा। अभी देखिए डायरेक्शन का नियर बाय 10 क्वेश्चंस बनाई है और ऑर्डर एंड रैंकिंग के नियर बाय 10 क्वेश्चंस बनाई है, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट। उसके साथ साथ अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट का बात बोलूं, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा कि आज आपको फ्लोर वाला फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, डे वाइज सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए। तो होता है ना मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरीके से, या कोई भी एक मंथ मंथ वाइज होता है ना, मंथ वाइज या डे वाइज, जो भी आपको अच्छा लगे आज डे वाइज कीजिए, आज मंथ वाइज मत कीजिए, डे वाइज कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्क्वायर का आपको प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए दो दो सेटअप कर लीजिए। तो ये तो हो गया कंप्लीट, हो गया फर्स्ट सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में आपको ये करना है और इसके लिए आपको 40 to 45 मिनट्स। अभी आप लोग बोलोगे सर लास्ट तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाते थे, अभी इसको टाइम क्यों घटा रहे हो? अभी मेरा मोटिव क्या होगा कि ये जो टॉपिक से इस टॉपिक में आपको टाइम घटाते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज अभी आप 1 वीक आपने इसको दे दिया, तो मैं आशा करूंगा कि इसमें आपका कमांड आ रहा है। अगर कमांड आएगा तो इसमें मैं टाइम थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करता जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वही टाइम दूंगा तो नहीं होगा, अभी जो रिड्यूस वाला टाइम होगा वो दूसरा जगह में मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये होगी आपका फर्स्ट सेटिंग, जो 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आ रहा है सेकंड सेटिंग का काम। अभी सेकंड सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो पजिल होगा पजिल हम लोग देखेंगे। पजिल में हम लोग क्या देखेंगे आज, देखिए जो फ्लोर वाला जो जो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट बोला था, फ्लोर एंड फ्लैट एक पजिल आता है, ये पजिल को आप देखिए फर्स्ट। सेकेंड आपको देखना पड़ेगा डे वाइज जो मैंने आपको बोला था उसका पजिल आप देखिए। अभी इसका जो है 3 3 सेट बनाइएगा, ठीक है। इसका जो है 3 3 3 सेट बनाइएगा, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो आप 3 सेट बनाइएगा इसमें से 2 सेट का जो वेरिएबल होगा ना वो 2 ही रखिएगा, सिंपल, ठीक है। मान लीजिए वो 8 नंबर कोई भी एक फ्लैट नंबर पर रहता है और वो कोई भी कलर पसंद करता है, या कोई भी क्लास में पढ़ता है, या कोई भी सब्जेक्ट उसका है, या कोई जगह से बिलोंग करता है, सिंपल। लेकिन एक वाला जो होगा, एक दो में से 3 तो मैंने बोला, लेकिन एक आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें वेरिएबल जो है वो 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अप लेवल का करना पड़ेगा। पीओ में हालांकि देखने को ना भी मिले, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा वेरिएबल बढ़ा के। बात समझ में आया कि नहीं आया? दो
दो पजल आपको, दो वेरिएबल वाला, एक पजल आपको तीन वेरिएबल वाला आज करना है, दोनों से ही, इसमें इससे भी और इससे भी, ठीक है। और इसके लिए आपको 45 to 55 मिनट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें 5 मिनट बढ़ाना चाहते हो तो इसमें बढ़ा सकते हो, 1 मिनट बढ़ाना चाहते हो तो 1 मिनट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल आपको रीजनिंग का टास्क। तो अभी हम लोग क्वांट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ रीजनिंग का जो मैंने बोला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी क्वांट का हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वांट का क्या करेंगे, देखिए क्वांट का सिंपल, क्वांट का जो मैंने बोला है सिंपल ही है कि आपको फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, ये तीनों चीज देखना है। सिंप्लीफिकेशन नियर बाय 25 to 30, अभी इस वीक से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक 15 जैसा आपको देखना है, नंबर सीरीज 15 आज वीक के स्टार्टिंग है तो आप मिसिंग से स्टार्ट कीजिए, सिंपल। ये आपको आज 15 तो करना ही है, ठीक है, और डे बाय डे इसको बढ़ाना है, ठीक है। और डीआई में आज आपको सिंपल सा आप ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, बार ग्राफ ले लीजिए, ये दोनों से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये दोनों का दो दो सेट आप लगाइए, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। आपको ट्राई करना है कि 45 मिनट से पहले ही मैं इसको सॉल्व कर दो। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आपका कमांड बन गया है ना कैलकुलेशंस में या टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, तो ये इसमें 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट सेटिंग। अगर मैं सेकंड सेटिंग की बात करूं, सेकंड सेटिंग में आपको एरिथमेटिक का लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या देखा था, परसेंटेज देखा था, ठीक है, उसके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा था एंड एवरेज देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है कि लास्ट वीक जो भी टॉपिक हम लोगों ने देखा था अच्छी तरीके से नॉट प्रिपरेशन रिवीजन कर लेना है कि टॉपिक जो हम लोग बना रहे हैं, टॉपिक जो मैं हम लोगों ने सीखे थे वो टॉपिक मुझे समझ में आया कि नहीं आया, उससे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो किस तरीके। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर टॉपिक तो सीख लिया लेकिन क्वेश्चंस बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चंस बन रहा है, टाइम लगी है, कोई बात नहीं, अगर टॉपिक से जो टॉपिक हमने सीखा उससे क्वेश्चंस बन रहा है, दैट मींस टॉपिक आपको समझ में आ गया। अभी करना क्या पड़ेगा, आपको उस टॉपिक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजों को आपको, उतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़ेगा, स्पीड भी आपका बढ़ेगा। तो ये तीनों टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से देखना है और इसमें से पांच 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 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, उसके साथ साथ आपको नया टॉपिक दिया जाएगा आज, पार्टनरशिप। ये टॉपिक हालांकि उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। आज एक नया टॉपिक सिर्फ आपको देखना है ये टॉपिक क्या है। हालांकि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन या परसेंटेज भी आ जाता है ना तो ये टॉपिक बन जाता है, उतना मतलब टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक में आता है, ठीक है। तो ये होगी आपका सेकंड सेटिंग का काम, ये आज आपको सेकंड सेटिंग में क्वांट में ये चीज आपको करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। रिमेनिंग जो फाइनल टाइम रहेगा उसको हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए 1.5 आवर्स जो हम लोग रहेगा उसमें क्वांट प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग में, तो हर टॉपिक में दो दो क्विजेस देंगे। और क्विजेस देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग ये इस चीज पे ध्यान देंगे कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो चीजें अगर सॉल्व हो रहा है तो इससे इजी प्रोसेस है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, और टॉपिक मुझे नहीं आता है या क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया, ये चीज पहले देखेंगे। तो एक एनालिसिस करके ही क्विजेस को सॉल्व करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे दो क्विजेस एटलीस्ट डेली सॉल्व करके उसको एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया डे 7 का टास्क। आशा करता हूं आप लोगों का जो फर्स्ट वीक था उस वीक की तरह इस वीक भी चीजों को हम लोग और भी अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि वो आप लोगों का जो गोल हो, जो जो सपना है उसको अचीव करने में ये मदद करे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो टास्क है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मेरे साथ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।